नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताऊँगी। इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसके लक्षण हैं और अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो उसके कारण क्या क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। हमारे गले में सामने की ओर एक ग्लैंड होती है जो तितली के आकार की होती है और ये जो ग्लैंड है ये हमारी श्वास नली और स्वर यंत्र से जुड़ी हुई होती है और इस ग्लैंड के द्वारा आयोडीन और थायरेक्सन हार्मोन का निर्माण होता है और इस ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। जब सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो उसे हाइपरथायराइड कहते हैं, तो जब सिक्रेशन कम होता है तो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो इसके बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, BMR डिस्टर्ब हो जाता है, हिंदी में जिसे चयापचा भी कहते हैं, और हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, पाचन गड़बड़ रहने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, हृदय की जो धड़कन है वो अनियंत्रित हो जाती है और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस करता है, आलसी हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, नसें चढ़ने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, मोटे और रूखे हो जाते हैं और गर्दन बहुत मोटी और सूजी हुई सी दिखाई देती है, चेहरा बहुत चौड़ा दिखने लगता है, मोटापा तेज़ी से बढ़ने लगता है, पीरियड डिस्टर्ब होने लगते हैं, PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, कंसीव करने के लिए डॉक्टर से थायराइड का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आ भी गई है तो कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है और अपने लाइफस्टाइल को जैसे ही हम चेंज करते हैं इसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लग जाती है और थायराइड रेंज में आ जाता है। थायराइड के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए मैं कुछ आपको ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगी जिससे हमारा जो थायराइड का सिक्रेशन है वो बढ़ने लग जाएगा और थायराइड को 100% आप क्योर कर सकेंगे। तो टिप्स बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थायराइड के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें अधिकतर नेचुरल तरीके ही अपनाने चाहिए और वो नेचुरल तरीकों से थायराइड पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ वो बिल्कुल नेचुरल है। तो थायराइड के सिक्रेशन को हम कैसे बढ़ा सकेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सूती कपड़े की पट्टी है और ये एक गर्म कपड़े की पट्टी है। तो ये सूती पट्टी पूरे हमारे एक हाथ जितनी लंबी है और करीब 3-4 इंच के करीब चौड़ी है, जो गर्दन में यहाँ आराम से आ सके इतनी चौड़ी हमें लेनी है। तो इस पट्टी को जैसे मैंने रैप किया हुआ है ऐसे आप रैप कर लें और पानी में डिप करके इसको कस के निचोड़ लें, और जब ये पट्टी कस के निचोड़ लें पानी बिल्कुल भी ना रहे तो अपने गले के चारों तरफ इसको रैप कर लें। उसके बाद इस पट्टी के ऊपर ये गर्म पट्टी रैप कर लें और फिर 45 मिनट के लिए आप इसको लपेटे रखें। अब 45 मिनट बाद इस पट्टी को खोल दें। तो इसको आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं और ये हमारे थायराइड के सिक्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि जब हम ठंडी पट्टी बांधते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्टैक्ट होती हैं और उसके बाद जब हम उसके ऊपर से गर्म बांधते हैं तो धीरे धीरे गर्मी आने लग जाती है और फिर हमारी ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं। तो इस तरह के ये नेचुरोपैथी का सिद्धांत है और इस तरह से करने से ही हमारा जो थायराइड है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। और जब आप ये पट्टी बांधें तो उस वक्त आप अपना ऐसा कोई काम ना करें कि आपको हाथ पानी में डालना पड़े। आप कोई भी सूखा काम कर सकते हैं, आराम से बैठ के TV देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो आपका ये था। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। एक गिलास गर्म पानी ले लें और गर्म पानी इतना गर्म लेना है जिसको आप आराम से पी सकें, थोड़ा सा तेज हो, इतना तेज ना हो कि आप उसको पी ना सकें। इस पानी में 5 कलियां लहसुन की, 5 काली मिर्च के दाने, आप उसको बिल्कुल रगड़ लें अच्छी तरह से, किसी भी खरल में या कहीं पर भी पीस लें उसको,
और जार में पीसने में थोड़ी गर्माहट आ जाती है, अगर खरल मिले तो ज़्यादा अच्छा है, या जिसमें हम चाय के लिए अदरक कूटते हैं आप उसमें भी कूट सकते हैं। और उसके बाद इस जो आपने ये मटेरियल कूटा है उसको पानी में मिला लें और चौथाई चम्मच सेंधा नमक मिला लें, और इस पानी से दो तीन आपको गरारे करनी है मुँह में गर्म पानी भर के, और उसके बाद जो पानी बचता है दो तीन गरारे करने के बाद उसको एक एक घूंट करके हमें 15-20 मिनट के अंदर पीना है, उसमें समय लगाना है, उसको एकदम नहीं पीना है। एक घूंट पिया थोड़ा सा रुक गए, फिर एक घूंट पिया फिर थोड़ा सा रुक गए, इस तरह से आपको पीने में 15-20 मिनट लगाने हैं। तो ये दूसरा स्टेप था। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। एक मीडियम साइज की प्याज ले लें और उस प्याज को दो टुकड़े कर लें, और जब दो टुकड़े कर लें तो आधे टुकड़े में आप प्याज को चाकू से थोड़ा गोद लें जिससे कि उसका थोड़ा रस छलक जाए, और फिर उस प्याज को अपने ग्लैंड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड जो है आपके है गले पे, अच्छी तरह से 5 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से रगड़ते रहें जिससे कि जो उसका रस है वो अंदर तक, स्किन के अंदर तक चला जाए। ये क्रिया आपको रोज़ाना करनी है, और पहले जो दो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको रोज़ाना करने हैं, और पट्टी तो बल्कि सुबह शाम दोनों टाइम बांधनी है। तो चौथा स्टेप क्या है कि चौथे स्टेप में हमें आयोडीन युक्त आहार लेने हैं जिसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे सिंघाड़ी, कमल ककड़ी, कमल गट्टा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ताजे फल, और उसके साथ साथ सेंधा नमक का हमें रूटीन में अपने सेंधा नमक का प्रयोग करना है, क्योंकि सेंधा नमक में आयोडीन की मात्रा होती है। आयोडीन युक्त आहार के अलावा और भी जो मौसम के फल, सब्जियाँ, सलाद जो भी आता है वो सब हमें खाना है, ताज़े फल खाने हैं, लेकिन जो भी आयोडीन युक्त फल सब्जी जो हमें मिल जाती है उसका हमें भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है। और कुछ ऐसे आहार हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने भोजन में नहीं लेना चाहिए, या अपने रोज़ाना के रूटीन में अपनी लाइफ में उनको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमारा थायराइड जल्दी से ठीक नहीं होगा, जैसे चाय, कॉफ़ी, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, तले भुने खाद्य पदार्थ, ज़्यादा मसालेदार भोजन, इन सबको हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा अंडा, मांस, मीट, इस टाइप की चीज़ें जो भी नॉन वेज है उसको हमें नहीं खाना चाहिए। थायराइड के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ योगासन और प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम, जालंधर बंद, सिंगर्जना, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, ये जितने भी प्राणायाम और योगासन हैं इनका हमारे थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें ये रोज़ाना करने चाहिए, अपने रूटीन में इनको ढाल लेना चाहिए, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल हो जाए। और इससे अगला स्टेप है कि हमें प्राकृतिक आहार खूब अच्छी मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि जो थायराइड से ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, तो जितना ज़्यादा हम नेचर के करीब रहेंगे, योगासन, प्राणायाम और संतुलित आहार लेंगे, तो कैसे भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, कितना भी हार्मोन कम बनता हो, लेकिन वो सिक्रेशन उसका बढ़ जाएगा और जो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये सब फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हमेशा के लिए दवाई खानी पड़ेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप नेचर के साथ रहें और नेचर से जुड़े रहें। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।